बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम ब्रेकिंग व्यूज़ और मैं हूं यासिर रशीद। नाज़रीन, पाकिस्तान की मौजूदा सियासत में जूं जूं दिन करीब आते जा रहे हैं कागजात नामजदगी जमा करवाने के, उसके साथ साथ ही तमाम जो सियासी जमातें हैं उनके लहजों में भी कुछ तलखियाँ आना शुरू हो गई हैं। एक दूसरे से तहफ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है, बयानिया जो बनाया जा रहा है उसी बयानी को आवाम तक पहुँचाने के लिए अल्फाज को मजबूत किया जा रहा है। अगर माजी की गुड गवर्नेंस का तज़किरा कर रहे हों तो माजी करीब की क्या बैड गवर्नेंस का तज़किरा भी हो रहा है, ये एक बुनियादी सवाल है। दूसरी बात ये कि नवाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं कि 2018 के इंतखाबात में इंजीनियरिंग की गई और सेलेक्टेड को वज़ीर आज़म बना दिया गया, हमने खुद अपने पाँव पर कुल्हाड़ा मारा, लेकिन अगर खुदा ने मौका दिया तो मुल्क को इस गर्दाब से निकालेंगे। जबकि दूसरी तरफ चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कहते हैं कि पुरानी रिवायती सियासत को दफन करना होगा, हमें नई जिद्दत की सियासत करना होगी। वो पैगाम जो बुनियादी तौर पे देना चाह रहे हैं और अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं लोगों को और नए जो वोटर्स हैं उनको, तो उनका ये बयानिया किस हद तक कारगर साबित होगा हालिया आने वाले इंतखाबात में। और उसके साथ साथ शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने एक तहलका खेज बयान जो दिए हैं उसमें तो पहली बात तो ये की कि उन्होंने मुस्तकबिल करीब में इंतखाबात में हिस्सा ना लेने का इंदिया दे दिया। दूसरी बात उन्होंने ये की कि नवाज शरीफ साहब ने ना राबिता किया और ना ही उस राबिते की ज़रूरत है, यानी उन्होंने दरवाजे अपने बंद कर दिए। तीसरी बात उन्होंने ये की कि जिस लेवल प्लेइंग फील्ड से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इकतदार मिला था अब भी वही लेवल प्लेइंग फील्ड है, लेकिन उसमें वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तज़किरा नहीं कर रहे, तो उनका इशारा किस तरफ था? मजमूई तौर पे हमारी सियासत किस तरफ को गामजन है? और मौजूदा सूरत हाल में एक बुनियादी सवाल ये है कि नया जो रजिस्टर्ड वोटर है उसकी तादाद में 3 करोड़ से ज़ायद का इजाफा हुआ है, यानी 3 करोड़ से ज़ायद नौजवान वोटर्स जो हैं वो रजिस्टर्ड हुए हैं पाकिस्तान के अंदर। क्या तमाम सियासी जमातें उनको भी टारगेट कर रही हैं या फिर पुरानी सियासत के ऊपर ही बात हो रही है? बात का आगाज करते हैं। पैनल में आज मौजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा बैरिस्टर आमिर हसन साहब ने हमें ज्वाइन किया है। आमिर भाई बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सदीकुल फारूक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया सदीक साहब। और जमीयत उलमा इस्लाम फे के रहनुमा नासिर खान मूसा जई साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया नासिर साहब। आमिर साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आऊँगा। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कहते हैं कि पुरानी सियासत करेंगे तो जो भी वज़ीर आज़म बनेगा मुल्क नहीं चलेगा, और उन्होंने ये भी कहा कि पुरानी रिवायती सियासत को दफन करना होगा। एक तरफ इशारा ये लगता है कि वो मुखातिब हैं नवाज शरीफ साहब से, दूसरी तरफ क्या आसिफ अली जरदारी साहब की भी तर्ज सियासत के ऊपर वो बात कर रहे हैं? बहुत शुक्रिया जी। देखिए, वो किसी मखसूस फ़र्द के बारे में बात नहीं कर रहे, वो तर्ज सियासत के बारे में बात कर रहे हैं। और पाकिस्तान का जो पुराना तर्ज सियासत है उससे ना तो अक्सरियत खुश है, ना आवाम खुश है, और ना वो तर्ज सियासत पाकिस्तान के काम आ सका है। देखिए, अब पाकिस्तान के अंदर जो मेजॉरिटी है वो 70% नौजवान लोग हैं जी, और वो नौजवान सियासत से बहुत दूर हैं, और सियासत से को एक शजरे ममनुआ बनाया भी गया है आम आदमी के लिए, और वो इसे अच्छा समझ भी नहीं रहे। इसमें दोनों हैं, एक वजूहत तो ये हैं कि प्रोपेगेंडा भी किया गया है हमेशा समाज को गैर सियासी करने के साथ, सियासत को और अहले सियासत को हरफ दुश्नाम दिया गया है। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि ये ज़्यादातर जो सियासी लोग हैं आज या सियासी जमातें मौजूद हैं ये परवरदा हैं, किसी ना किसी के बनाए गए हैं। तो चेयरमैन बिलावल साहब जिस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं वो ये है कि सियासत को कंट्रोल अगर कोई करे तो वो आवाम करे जो कि ताकत का सरचश्मा है, कोई और सियासत को कंट्रोल ना करे। अब देखिए ना, कोई ऐसा शख्स बयानियां बनाए, कोई ऐसी जमात बयानियां बनाए, मैं किसी मखसूस लेकिन ओवरऑल बात कर रहा हूँ, जो ख़ुद उसी तरफ से आ रही हो, जो आवाम को ताकत का सरचश्मा ना समझते हों, जो एस्टेब्लिशमेंट के रास्ते से सियासत करते रहे हों और आज भी करना चाहते हों, तो बिलावल साहब इस चीज़ को एड्रेस कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर मेजॉरिटी को हक़ हाकमियत दिया जाए और वो आएँ। जहाँ तक आपने प्रेजिडेंट आसिफ अली जरदारी की बात की, देखिए प्रेजिडेंट आसिफ अली जरदारी ने वही सियासत की है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत है। और आप अगर रिसेंट इलेक्शन 88 से चले जाएं, जितने भी एक तारीख है जनरल ज़िया के बाद, तो पीपल्स पार्टी कभी भी इस्टेब्लिशमेंट की मदद से ना तो इक्तदार में आई है, ना हमने इत्तेहाद बनाए हैं, ना हम पे किसी का एहसान है, खा वो जनरल हमीद गुल हो या वहाँ से ले कर जनरल फैज़ हमीद तक हो।
तो हम समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर अब ये खेल बंद होना चाहिए, अवाम की तरफ दे। आज भी देखिए सियासत क्या हो रही है, जो बिलावल साहब पैगाम देना चाहते हैं कि नौजवान चाहते हैं कि कोई सियासी जमात अपना प्रोग्राम दे, अपनी बात करे, लेकिन सियासी जमात तो कहीं और से प्रोग्राम ले रही हैं। और हो क्या रहा है कि वो लीडर आके मैं आपकी इसी बात में कथा कलामी के लिए माजरा चाहता हूँ। ये जो आपने बात की कि हम अवाम के कंधों पर आना चाहते हैं, आपको याद होगा ये माजी करीब में जब पीडीएम की हुकूमत जा रही थी तो बलूचिस्तान में आसिफ अली जरदारी साहब ने बहुत से राबिता किए थे, बहुत से लोगों ने आपसे वादे वईद किए थे, लेकिन उन लोगों के बारे में आपकी ये राय ये होती थी कि इशारा होने पे अपनी वफादारियां तब्दील करते हैं। फिर उसके बाद वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ हो गए, तो आपने ये कहना शुरू कर दिया कि हमारे साथ वादे करके ये उधर को गए हैं तो कोई वजह है। तो आपके साथ जो पहले वादे थे वो किस मंतिक की बुनियाद पर थे, और अगर उधर जाते आप देख रहे हैं तो वो फिर उसमें कौन सी मसलहत? देखिए आपके सवाल में ही आपका जवाब है। अगर तो वो हमारे साथ वादे करके कहीं और गए हैं तो इससे साफ अंदाजा कर लें कि वो फिर किसी की वजह से हमारे से वादे निकाल रहे थे। वो हमारी पॉलिटिकल एक्सरसाइज थी। मैं बलूचिस्तान का अभी भी आपको बता देता हूँ कि अभी तक मियाँ साहब गए हैं वहाँ पे पीएमएलएन की तरफ से, मियाँ साहब ने कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं की। मियाँ साहब एक होटल में गए हैं, चंद इलेक्टेबल्स को मिले हैं, चंद का शिकार किया है, बोरी में डाला है और उन्हें लाहौर ले आए हैं। लेकिन हम जब भी बलूचिस्तान में गए हैं वहाँ पर वर्कर्स कन्वेंशन किए हैं, बार एसोसिएशन में गए हैं, लोगों के साथ रबता किया है। तो हम कहते हैं सियासत करें, ड्राइंग रूम्स के पीछे बैठ के साजिशें मत करें, और लोगों को ये मत बताएं कि सियासत ये है कि अगर कोई मैनूवर करेगा, अगर कोई वो मियाँ साहब के लफ्ज़ हैं कि खलाई मखलूक की नहीं सुननी चाहिए, मियाँ साहब के लफ्ज़ हैं कि कठपुतलियाँ नहीं बनना चाहिए। हम ये कह रहे हैं कि अगर आप ही नहीं थोड़े अरसे के लिए चाहे लोगों को ये बात सुनाइए, हम तो अजल से ये बात सुना रहे हैं। तो मियाँ साहब ने सुनाई थी खलाई मखलूक की ना माने, पपेट ना बने, कठपुतलियाँ ना बने, तो हम यही उन्हीं को उन्हीं की बात कह रहे हैं। तो हम जब सियासत करते हैं बलूचिस्तान के अंदर तो हम आवाम से राबता करते हैं, हम ड्राइंग रूम में किसी से नहीं करवा लेते। जो भी शमूलियत कर रहे हैं वर्कर्स कन्वेंशन में अवाम के सामने, अवाम के यकजहती के साथ और अवाम के प्रेशर के ऊपर। तो हम ये कहते हैं कि सियासत करें, अवाम की सियासत करें, इसलिए नए तर्ज सियासत की ज़रूरत है। अगर आपने 40 साल 45 साल पहले भी यही सियासत की थी कि कोई आपको इत्तेहाद बना के देगा, कोई आपको दो तिहाई अक्सरियत देगा, कोई आपको बनाएगा, और आज भी अगर 45 साल के बाद वही करना है तो ये पाकिस्तान के ना आवाम को कबूल है, ना अक्सरियत को कबूल है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बिल्कुल कबूल नहीं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बिल्कुल कबूल नहीं। सदीकुल फारूक साहब, जिस तरीके से बात आमिर हसन साहब कर रहे थे कि अगर आपने पुरानी सियासत ही करनी है, सवाल ये पैदा होता है कि अभी भी सियासी जमातें ये सोच रही हों कि कहाँ पे सीट एडजस्टमेंट करके मौके हासिल किए जा सकते हैं, किसके साथ इत्तेहाद किया जा सकता है, कौन से इलेक्टेबल्स को अपने साथ शामिल किया जा सकता है, जब सियासी जमातों के मंशूर के अंदर या उनकी तरजीहात के अंदर वो नया वोटर ही मौजूद नहीं है जो नया रजिस्टर्ड हो रहा है, और उनमें वही पुराने लोग हैं। मैं पुराने लोगों की नफ़ी नहीं कर रहा, ज़ात किसी की नफ़ी तो की नहीं जा सकती, अगर मौजूद है उसकी अक्सरियत है या उसकी हैसियत है तो अपने तभी मौजूद है, लेकिन नए लोगों को जब आपने पार्टी में शामिल होने की तरगीब नहीं देनी तो किस तरीके से बेहतर सियासत हो सकती है? यासर रशीद साहब शुक्रिया, बैरिस्टर आमिर हसन और नासिर खान मूसा को भी सलाम, और आपके नाजरीन और सामेईन को भी सलाम। मैं पहले तो आपने एक शायद खाकान अब्बास साहब के हवाले से एक बात की कि उन्होंने कहा है कि जी मैं ना जा, उन्होंने बुलाया ना मैं जाता हूँ। मैंने उन्हें परसों खुद सुना अपनी तारीख के मौके पे, उनके अपने मुंह के अल्फाज जब सवाल कर रहे थे अखबार नवीस, तो उन्होंने कहा कि मुझे जब भी मियाँ साहब बुलाएंगे, लाहौर 4 घंटे का रास्ता है, मैं बिल्कुल जाऊंगा और मिलूंगा। इसलिए आपने शायद कहीं किसी सोशल मीडिया की कोई सुर्खी पढ़ ली है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पे बहुत बातें हैं इधर उधर की जो है वो लोग चला रहे हैं, उनमें हकीकत नहीं होती। सर आप तज़किरा कर रहे हैं 3 दिन पहले का, मैं बयान कर रहा हूं आज की रुदाद। मेरी आज उनके घर से बात हुई है, सही। मैं तो ये नहीं कहना चाहता था, नहीं नहीं कहना चाहता था, मेरी आज बात हुई है। वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, वो अपने कारोबार को अब पर तवज्जो देंगे, फिलहाल जो उनकी बात है सही। मैंने कुछ मशवरा दिया है, वो बाद में बात करेंगे। खैर मैं अब आपके सवाल का जवाब देता हूँ। एक आमिर हसन साहब मेरे छोटे भाई हैं,
उन्होंने बातें जो की हैं कि एस्टेब्लिशमेंट की नहीं होनी चाहिए, कहीं से पुरानी सियासत नहीं होनी चाहिए। ये जब यहाँ ओपन मार्केट इकानोमी 90 में नवाज शरीफ साहब ने इंट्रोड्यूस की, जिसका ब्लूप्रिंट इंडिया लेके गया 92 में, उससे जो कुछ फिर मामलात सीधे हुए, ये मोटरवेज, ये इंफ्रास्ट्रक्चर, ये फिर उसके बाद आकर सीप है, गवादर, ये सारी चीज़ें, यूनिवर्सिटियाँ, ये लैपटॉप्स, ये बच्चों को स्कॉलरशिप्स मेरिट पर, ये अस्पतालों की जनाब मॉडर्नाइजेशन, उनकी वहाँ 151 दवाइयाँ एमरजेंसी में फ्री, और 4% जो है वो इन्फ्लेशन, जीडीपी 6%, 100 रुपए का डॉलर उस वक्त बहुत कम था। ये सारी चीज़ें जो हैं ये जदीद तरीक़ों से हासिल की जा सकती हैं, पुराने तरीके से नहीं, ये जदीद मईशत के तरीके हैं। तो ये इनकलाबी सियासत है। उन्होंने झूठी बात नहीं की, उन्होंने वादा किया था 4 साल में लोड शेडिंग ख़त्म कर देंगे, अलहमदुलिल्लाह लोड शेडिंग ख़त्म की, दहशतगर्दी ख़त्म करेंगे, उन्होंने दहशतगर्दी ख़त्म की, अपने वादे पूरे किए। हाँ, नौजवान आए हैं, नौजवान देख रहे हैं, ये नौजवान 2017 तक को भी याद रख रहे हैं, उस वक्त क्या सूरत हाल थी, किस तरह नवाज शरीफ साहब को निकाला गया, क्या हुआ फिर उसके बाद पाकिस्तान का हाल क्या, ये सारी बातें उन्हें मालूम है। अच्छा, जब आप नौजवान की बात कर रहे हैं सर, आप माजी सियासत दो जुमले सुन ले, दो जुमले, हमारी सियासत कौम के लिए, मुल्क के लिए होनी चाहिए, हमें किसी को धोखा नहीं देना चाहिए, जो कमिटमेंट करें पूरी करें, और नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने जो कमिटमेंट की अपने मुस्लिम लीग की हुकूमत में वो पूरी की। सही, मैं आपकी बातें मैं मिनवन तस्लीम करता हूं, लेकिन उस नौजवान वोटर को क्या समझाएंगे जो 2017 में तकरीबन कोई 17 साल का था, और 5 सालों के बाद वो कोई 22 साल का है, कोई 21 साल का, कोई 20 साल का है। उसने वो दौर भी देखा है कि जब एक मुश्तरका हुकूमत थी, और मुश्तरका हुकूमत में दावेदार ये थे कि इब्तदाई 3 महीनों में बेहतर हालात हो जाएंगे, लेकिन वो बेहतर हालात होने की बजाय जिस हद तक महंगाई के अंदर इजाफा हुआ और डॉलर की कीमत उस वक्त जिस हद तक बढ़ी है, उसका जवाब या उसका जवाब उस नए वोटर को किस तरीके से देंगे? जी बिल्कुल, इन 5 सालों में वो और बालिग हुआ, उसे ये मालूम है कि IMF के साथ मुआहदा किसने किया, स्टेट बैंक को गिरवी किसने रखा, और चीनी सारी इन्वेस्टमेंट जो चाइनीज इन्वेस्टमेंट है उसके सारे डॉक्यूमेंट्स किसने दिए, CPAC को बंद किसने किया, NAB को किसने इन्वेस्टर्स के, इंडस्ट्रियलिस्ट के, ट्रेडर्स के पीछे लगाया, कौन किसने ये कहा कि मैं जनाब 100 दिन में 50 लाख घर दूंगा, 1 करोड़ नौकरियां दूंगा, फिर उसने क्या किया ये भी उसे पता है, ये भी उसे पता है, और कहाँ पहुंच गया था मुल्क, किस तरह डिफॉल्ट होने वाला था। अब उसे वो जब जाता है उसे ये भी पता चल जाता है कि साइफर क्या है, साइफर के साथ क्या किया गया, किसने कहा था कि आप इस पर आप खेलते हैं, ये सारी चीज़ें उसे पता है। हम भी अपने तरक्की के जो काम हैं वो सामने रखेंगे कि ये हमें जब मौका मिला ये तरक्की, हमने ये तरक्की, ठीक, हमने कोई गैर मुल्की प्रेशर बर्दाश्त किया, हमने धमाके किए, पाकिस्तान के लिए $5 बिलियन की पेशकश हुई, नवाज शरीफ को $300 बिलियन उसके जाती अकाउंट के लिए, 5 दफा टेलीफोन किया अपना अमरीकी सदर ने, नवाज शरीफ ने कहा मुझे अपना दिफा अजीज है, इंडिया ने 5 किए तो मैं 6 धमाके करूंगा, और फिर उन्होंने 6 धमाके किए। कौन है जो गैर मुल्की दबाव बर्दाश्त करता है और मुल्क के मफाद पर कंप्रोमाइज नहीं करता, ये भी उसे पता है। ठीक, मैं आपकी तरफ सदीक साहब वापस आता हूँ। नासिर खान मूसा अजीज साहब, सर आपसे सवाल ये है कि जमीयत उलमाए इस्लाम फे जो है वो सिंध के अंदर एक अलायंस बना रही थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुखालिफ, आपको गिले ये हैं कि अंदरून सिंध में आपको जगह नहीं दी जाती, या आपको ये भी गिले हैं कि वोट वहाँ पे जो कास्ट होते हैं वो आपके मवाफिक नहीं होते, वो मुखालिफ हो जाते हैं, लेकिन वोट कास्टिंग करने वाले आपके अपने लोग हैं। उसकी बनिस्बत खैबर पख्तूनख्वा के अंदर आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इतिहाद कर रहे हैं, एक सूबे में आपको गिला है और अच्छा खासा गिला है, और आप अलायंस करने वालों में सबसे आगे हैं, दूसरे सूबे में आप अलायंस कर रहे हैं, तो उसकी वजह क्या?
शुक्रिया यासर साहब। बेसिकली यही जमहूरी एक अमल है कि मेरे ख्याल में जहाँ पर जिस सूबे में या जहाँ पर पार्टी एक दूसरे के साथ समझती है कि हमें आगे वोट और हमें मिल सकती है, तो मेरे ख्याल में ये एक जमहूरी अमल है। अगर खैबर पुख्तनख्वा में हमारी मौलाना फजल रहमान की यह जमीयत की होल्ड है और उसको ये पीपल पार्टी को ये समझ रहे हैं कि उनके साथ चल के हम चंद सीटें निकाल सकते हैं, तो मौलाना ने उनको वेलकम कह दिया है। और जहाँ पर सिंध की आप बात करें तो सिंध में जो GDA है, जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज है लोकल, उनके साथ हमारा इत्तेहाद है। तो ये सूबे टू सूबे वो है, यह हमारा कोई उनके साथ नेशनल सतह पर इत्तेहाद नहीं हुआ है। तो यही वजह है मेरे ख्याल में कि यहाँ पर वहाँ पर हम पीपल पार्टी के साथ मुकाबला करेंगे, और जरूरी नहीं कि यहां पे हम हर सीट पर उनके साथ वो करेंगे। जहां पे चूंकि पीपल पार्टी की खैबर पुख्तनख्वा में कोई खास एज सच स्टेक नहीं है, तो डेफिनेटली चंद सीटें हैं तो, और तो बाकी वो कह रहे कि हम जमीयत को सपोर्ट करेंगे, तो पार्टी ने और मौलाना साहब ने वेलकम कह दिया है। आमिर साहब, स्टेक आपका बहुत ज्यादा नहीं है, तो जमीयत ही बेस्ट ऑप्शन था। देखिए, उनकी राय है और मैं उनकी राय का एहतराम करता हूँ, उन्हें कहने का हक है। लेकिन मेरे ख्याल से सिंध में हमारी क्या हैसियत है या KPK में क्या हैसियत है, वो पीपल्स पार्टी की तारीख एक बताती है। हमें इनकी हैसियत से कोई इनकार नहीं है, ये हमारी हैसियत से इनकार करते हैं। तो इत्तेहाद कभी ये नहीं होता कि मैं बहुत तगड़ा हूँ, तुम बड़े कमज़ोर हो और आ जाओ मेरे साथ मिल जाओ। इत्तेहाद यही होता है कि मुझे आपकी ज़रूरत है और आपकी मुझे ज़रूरत है, और सीटों की एडजस्टमेंट होती है। हमारा एक तरीका कार रहा है कि हमने एक ज़ाती एहतराम को हमेशा मलहूज़ खातिर रखा है और हम अब रखेंगे भी, लेकिन ये वक्त बताएगा कि किसका कहाँ पे कितना स्टेक है और कौन क्या है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक पोजीशन रखती है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बारहा वज़ीर-ए-आज़म बनाए हैं, अपने वर्कर्स भी बनाए हैं, अपने लीडर्स भी बनाए हैं, और कोई ऐसी जमात जिसे आज तक मरकज़ के अंदर कभी ना मिला हो, वो अगर ऐसे कहे तो फिर मैं क्या कह सकता हूँ। लेकिन बहरहाल कोई ऐसी बात नहीं, बिस्मिल्लाह, इन्हें ये अपना ज़ोर बाजू पर भरोसा रखें, हम अपना आवाम का जो एतमाद होगा उसी पे जाएंगे। मैं समझता हूँ कि ये बेहतर वक्त है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को डिफरेंसेस भी ख़त्म करने और करने किस पे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो मोटो है चेयरमैन बिलावल भुट्टो की क़यादत में, हमारा ये है कि हमारी किसी भी सियासी पर्सनैलिटी से और किसी भी सियासी जमात से कोई मुखालफत नहीं है। हमारी मुखालफत है महंगाई से, बेरोज़गारी से, गुरबत से। उसी के लिए हम पिछले 55-56 साल से एक पाकिस्तान के अंदर जद्दोजहद करें, और आज समझते हैं कि जहाँ पे बदतरीन हालात में पहुँचे हैं, ये पुराना तर्ज सियासत और पुरानी चीज़ें। अब सदीकुल फारूक साहब मेरे बड़े ही काबिल एहतराम हैं, लेकिन मैं उनकी बात को ज़रा थोड़ा सा कि देखिए, बिल्कुल मोटरवे आपका क्रेडिट है, 100 दफ़ा लें हम भी आपको क्रेडिट देंगे, लेकिन हमारे क्रेडिट छीने ना। CPAC जो है वो हमने साइन किया, अब तो चाइना भी ये कह चुका है, आप भी कहना शुरू कर दें। ग्वादर पोर्ट प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी और हमारी गवर्नमेंट में दी गई थी, वो सारा साइन हुआ था, और फिर लोड शेडिंग के ऊपर जितने प्रोजेक्ट्स हमने लगाए थे उसके आपने फीते काटे थे, इसके बावजूद के 5 साल आपने हमें बड़ा तंग किया। ख्वाजा आसिफ जाके पहलू में बैठे रहे इफ्तिखार चौधरी के, और जाके रोज़ पटिशन डालते थे, हमारे वजीरों को बदनाम करते थे, हमारे मंसूबे रुकवाते थे, उसके बावजूद वो जो मंसूबे हमने लगाए थे उसी की बदौलत वो रोशनी खत्म हुई। और हमारा ये आज का नहीं है, जब BB-21 में आई थी ना, अंधेरे खत्म हुए, रोशनी तो आई थी। नहीं, मैं बताता हूँ ना कैसे हुए हैं। अगर आप भी अपने वो बचपन का याद करें, मुझे भी याद है, तो वो आता था मेरे गांव में बिजली आई है, वो बेनजीर भुट्टो का ये मंशूर था। हम तब से 88 से ये काम कर रहे हैं, जब मुल्क में अंधेरे थे, हर तरह के अंधेरे थे, जहल का भी अंधेरा था और बिजली ना होने का भी अंधेरा था। आपने CPAC भी ले लिया, गवादर भी ले लिया, हमारा ना लिया। हाँ। नहीं, आप गूगल करें और देख लें। मैं बता रहा हूं। हाँ। तो वो फिर उनकी क्रेडिट लिस्ट के अंदर मैं डालता हूँ भी उनकी क्रेडिट लिस्ट में कोई चीज है। तो मैं कहता हूँ कि जब सदीकुल फारूक साहब लकीर के उस तरफ थे, जब जहल वालों का अंधेरा था उसके साथ थे, और लोड शेडिंग का अंधेरा था तो उसके साथ थे, हम दूसरी तरफ थे, फिर हमें इन्हें हाथ पकड़ के अंधेरे से रोशनी की तरफ मुशर्रफ़ जमहूरियत करके ले गया। इनके क्रेडिट में ये चीज़ है, इनके क्रेडिट में IGI है, इनके क्रेडिट में सियासी जमातों का, आपके जुमले की इख्तरा अच्छी है। हाँ, इनके क्रेडिट में छांगा मांगा ऑपरेशन है, इनके क्रेडिट में हमारी अक्सरियत छीन के पंजाब में और लोटों के बलबूते पर हुकूमत बनाना है, इनके क्रेडिट में
अपने मुखालफीन पे मुकदमात बना के उस वक़्त की साबिक वज़ीर आज़म के शोहर को 9 साल जेल में रखना है। हमारे किसी मुकदमे में ये एक दिन भी जेल में नहीं गए। आज तक ये रोना रोते हैं कि मियां शरीफ साहब को अरेस्ट किया गया, वो दोपहर को किया गया और मगरिब से पहले पहले छोड़ भी दिया गया, लेकिन वो नहीं ये भूल रहे और हमें 9-9 साल इन्होंने जेल में डाला है, वो नहीं याद। और दूसरी बात कि अब लोग जाती दुखड़ों के ऊपर, मैं इसलिए कहता हूँ कोई जमात अपने जाती दुखड़े ना रोए कि मुझे हथकड़ी लग गई, मेरे सामने ये हो गया, मेरे भाई हमसे ज़्यादा दुखड़े किसके हैं। हमारा दुखड़ा तो अब सुप्रीम कोर्ट रो रही है कि इन्हें कत्ल किया है, हमारा दुखड़ा तो दुनिया रोती है। सदीकुल फारूक साहब के लीडर की तकरीर सजती है अगर मेरे लीडरों का जिक्र करे कि एक वज़ीर आज़म को फांसी दे दी गई, एक को शहीद कर दिया गया, तो बीच में फिर आप भी, आपकी फिल्म भी चल जाती है कि मुझे हथकड़ी लगी। तो चलती हमारे क्रेडिट में जो है वो नहीं ले सकते आप, तो इसलिए अपनी अपनी बात करें। मैं यही चाहता हूं कि अपनी बात की जाए और आज वक्त नहीं है कि लोगों को 1997 की कहानी सुनाए कि 1997 में हमने, अभी देखें ना कितने माशाल्लाह पुराने सियासतदान हैं ना, सदीकुल फारूक साहब कहते हैं कि नौजवान 2017 को याद कर रहे हैं, तो नौजवान 2022 को भी याद कर रहे हैं, आप उसका तस्करा नहीं करते, डायरेक्ट फास्ट फॉरवर्ड है, अच्छा रिमाइंड करके जाके 2017 में बैठ जाते हैं, जरा 2022 में बैठे। कभी कभी सदीकुल फारूक साहब मियाँ शहबाज शरीफ का भी नाम लिया करें, वो तो अभी अहल हैं, मियाँ साहब तो अभी डिस्क्वालिफाई हैं, तो अहल शख्स का नाम नहीं ले रहे हैं, इतना क्या मियाँ शहबाज शरीफ के साथ इन्हें सोतेलापन है कि उनका नाम ही नहीं लेते। चले मैं उनसे सारे घबराते हैं, उन्हें ऑन ही नहीं करते, हमें कह देंगे ऑन करें, हम तो कर लेंगे, पहले आप तो करें, घर वाले तो करें यार, हम तो कर ही लेंगे। चले पूछते हैं कि कौन ऑन कर रहा है कौन नहीं कर रहा, लेकिन ये जो अभी तस्करा कर रहे हैं बैरिस्टर आमिर साहब, सदीकुल फारूक साहब, जवाबन आप सिर्फ अपनी बात करेंगे या फिर इनकी भी करेंगे? देखिए जी, इनकी बात भी मैं करता हूँ, इनकी बात मैं ये करूँगा कि ये अपनी बारी पे जब फरमाएं तो मुझे ये बता दें कि 88 से लेके अब तक इन्होंने कौन सा बड़ा प्रोजेक्ट बना के कौम के सामने रखा है, कोई बहुत बड़ा तरक्याती मनसूबा चारों सूबों में बहुत बड़ा, जिस तरह ये मोटरवेज हैं, जिस तरह ये सी पैक है, ये कहते हैं दस्तखत हमने किए थे, वो दस्तखत तो मनसूबे तो जो हैं, अगर चले ये मान लें मनसूबे तो बहुत से कागजी होते हैं, अमल दरामद करके उसे हकीकत में कौन लाया है सामने, ये देखना पड़ता है कि किसने अमल दरामद किया। हम मानते हैं कि एक बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम था, वो चंद अरब का था, हमने उसका नाम तब्दील नहीं किया, ये है मैग्नेनिमिटी, फयाजी, बड़े दिल का मुजाहरा, और उसे 100 अरब से भी ऊपर हम ले गए और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम हमने उसका नाम रखा ताकि लोगों की मदद हो। तो लेकिन ये जब अपनी बहुत सफाई देते हैं तो सिद्दीकुल फारूक बहुत पुराना है, बिल्कुल बहुत पुराना है, ये भी एक दो प्रोग्राम में मुझे ये भी ताना देते रहे हैं कि ये जमीयत और जमात इस्लामी का बंदा है। मैं ये अर्ज करूँगा कि जब मैं 76 में स्टूडेंट लीडर था, 77 में, तो मैंने भुट्टो साहब के मजालिम भुगते, मैंने वो 7 मार्च 10 मार्च के नारे लगाए, 7 मार्च को इलेक्शनों में क्या हुआ, मैं 2 कौमी असम्बली की सीटों का इंचार्ज था, किस तरह धांधली हुई, किस तरह डिब्बे चुराए गए, किस तरह से बैलेट पेपर दिए गए, और किस तरह से उस वक्त खेतों में गंदम इतनी इतनी थी और उनमें बैलेट पेपर बिखरे हुए थे, डब्बों में भरे जो बाकी बचे वो पीपल्स पार्टी के लोग बाहर फेंक गए, ये भारा कहूँ, ये जनाब अली ने लौर, ये क्या हो रहा था उस वक्त, मुझे किसने उठाया, किसने अगवा किया, क्या मैं इनके हाथों क्या कुछ होता रहा, किसने बर्फ की सिलों पे लीडरों को लिटाया, ये रवायत किसने कायम की, ये बातें आप इस तरह से करेंगे, किसने अगवा करके अपने आप को बिला मुकाबला करवाया, फिर चारों जनाब सूबाई जो वज़राए आला थे उन्होंने भी अपने आप को बिला मुकाबला करवा लिया, फिर 10 मार्च को जब बाइकाट हुआ तो क्या हाल था पोलिंग स्टेशनों का, ये जब आप, मैं ये चाहता हूँ ये ना जिक्र करें लेकिन आप करते हैं। मैं और बहुत कुछ करना चाहूँगा, आमिर हसन साहब की उम्र बहुत कम है, जो आदमी 77 में स्टूडेंट लीडर हो, मास्टर्स का एमए फाइनल का स्टूडेंट हो, उसकी कितनी उम्र क्या है, तो मैंने बहुत कुछ देखा हुआ है, इसलिए मैं ये अर्ज करूँगा कि बातें ना करें। अब आप इस बात पर जब आते हैं तो फिर मैं वो बात करूँगा,
मैं ये बात करता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब का आप जिक्र करते हैं तो शहबाज शरीफ साहब ने अपना लीडर नवाज शरीफ को माना कि मेरा लीडर नवाज शरीफ, मेरा हमारा प्राइम मिनिस्टर मुस्लिम लीग नून की तरफ से नवाज शरीफ। हाँ अलबत्ता बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो 35 साल के खैर से हो गए, अल्लाह उन्हें 35 साल और दे, वो खुदा करे वजीर आजम भी बने। उन्होंने कहा है शहबाज शरीफ कराची को एक शहबाज शरीफ चाहिए, अंकल शहबाज शरीफ, शहबाज शरीफ साहब ने बहुत अच्छे काम किए। वो नवाज शरीफ साहब को मिलने गए, अंकल नवाज शरीफ, लंदन गए, फिर उसके बाद अपनी आंखें यहाँ माथे पे रख ली, फिर जो कुछ कहना शुरू किया। ये उनकी रिवायत नहीं होनी चाहिए। वो नौजवान नस्ल की अगर बात करते हैं तो नौजवानों का अखलाक जो है बहुत उमदा करें। पीपल्स पार्टी पुरानी पार्टी बनी, बिल्कुल आज़ादी से बनी, लेकिन अगर मैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का माजी यहाँ सामने रखूँ, मैं इस वक्त नहीं रखना चाहता, छोड़े हम आगे निकले। और ये जो बात इसके ऊपर मजीद बात करने से सदीक साहब मैं वापस आता हूं, एक ब्रेक लेने, एक जुमला सुन लें, जी जी एक जुमला, कि जो आमिर हसन साहब ने ये कहा कि हमें मिल के बैठ के आगे बढ़ना है, इस मुल्क को तरक्की देनी चाहिए, हाँ इसके लिए सिद्दीकुल फारूक अपने दिलो जान से अपने पूरे वसाइल से हाजिर। ये भी अच्छा है कि गिले कर लिए जाए, दिल साफ कर लिया जाए और उसके बाद बैठ लिया जाए, लेकिन ये गिलों का तसलसल है वो बढ़ता ही चला जाता है। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं, इसी के ऊपर मजीद गुफ्तगू की जाएगी, कहीं नहीं जाएगा शहबाज। ब्रेक के बाद खुश आमदीद नाज़रीन। ब्रेक से पहले बात हो रही थी, सदीकुल फारूक साहब ने कहा कि माजी का तज़करा अगर करना ही है तो फिर खोल के कर लेना चाहिए, और अगर नहीं करना तो फिर आगे बढ़ने की भी दगदग करनी चाहिए। उसके ऊपर बैरिस्टर आमिर साहब की तरफ मैं जाऊंगा, लेकिन उससे पहले नासिर खान मूसा जी साहब से एक सवाल है। नासिर खान साहब, जमीयत उलमा इस्लाम फे को जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने KP के अंदर कुली तौर पर इतिहाद की बात की तो उन्होंने जवाबन ये कहा कि मुझे याद है जमीयत उलमा इस्लाम फे के मुफ्ती किफ़ायतुल्ला साहब का कि उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की KP के अंदर वही हैसियत है जो जमीयत उलमा इस्लाम फे की पंजाब के अंदर है। वो समझते हैं कि जनूबी पंजाब में उनकी कुछ नशस्तें निकल सकती हैं और 5 से 6 नशस्तें उनके ख्याल में मौजूद हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून 5 से 6 नशस्तें KP में निकाल सकती है। लेकिन वहाँ पे शर्त की बात यह थी कि कुछ लो और कुछ दो की पॉलिसी के ऊपर अमल पैरा होना चाहिए कि आप इधर अगर हमसे हिस्सा मांगते हैं तो हमें पंजाब में हिस्सा दें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपने बगैर इस शर्त के हामी भर ली है कि हम इत्तेहाद कर लेते हैं। यासर साहब, बेसिकली जो मौलाना फजल रहमान साहब है उसने जो वो सियासत करे मफाहमियत की सियासत करे। बरसर साहब एक तरफ कह रहे हैं कि हमें सारी चीज़ों को भुला के आगे जाना चाहिए और एक दूसरे से मिल के पाकिस्तान के लिए और इस कौम के लिए सियासत करनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ वो सारी बातें वो कह जाते हैं जो मेरे ख्याल में जो उनको अपोजिशन में या किसी चीज़ में बैठ के वो कहते हैं। मौलाना फजल रहमान साहब जिस तरीके से खैबर पख्तूनख्वा में जमीयत की ऐसी होल्ड है, ऐसी सपोर्ट है जिस तरीके से सिंध में पीपल पार्टी की है और पंजाब में नून लीग की है, तो होना ये चाहिए था कि पंजाब में और सिंध में जिस तरीके से मौलाना साहब ने उन लोगों को कहा है, वेलकम कहा है और अपनी जो स्ट्रांग होल्ड है, जो सपोर्टर है, उनको वेलकम उसको कह दिया, तो नून लीग को भी चाहिए था और पीपल पार्टी को भी चाहिए था कि नून लीग पंजाब में उनको वेलकम कहे और जहां पे हमारे कैंडिडेट स्ट्रांग कैंडिडेट है उनको अपनी सीट, अपने जो कैंडिडेट है वो उनको हिमायत करे हमारे कैंडिडेट के। इस तरीके सिंध में भी होना चाहिए था, लेकिन बदकिस्मती से यहां से जब पीपल पार्टी कह रहे कि तो सिंध में हमारी स्ट्रांग होल्ड है, हम किसी तरीके से उनको शेयर नहीं देते हैं या उनकी हमारे कैंडिडेट को सपोर्ट नहीं करते हैं, इसी तरह पंजाब में भी नून लीग वाले हमारे साथ कर रहे हैं, तो ये मौलाना साहब का बड़ापन है कि अपने स्ट्रांग होल्ड की एरिया में भी उनको वेलकम कहते हैं और उनको अपने साथ चलाते हैं, तो ये होती है मफाहमियत।
तो मेरे ख्याल में नून लीग को भी और पीपल पार्टी को भी चाहिए कि जिस तरीके से मौलाना साहब उनको वेलकम कहते हैं, उनका साथ देते हैं, वो भी अपने दो सूबे में उनको वेलकम कर उनको जगह दे। जहां तक आपने 11 प्लेइंग फील्ड का कह दिया, तो मेरे ख्याल में जो लेवल भी है, प्लेइंग भी है और फील्ड भी है, लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टी ये नारा लगाते हैं, तो मेरे ख्याल में वो सिर्फ पता नहीं कि वो किस तरीके से लेवल प्लेइंग फील्ड चाहते हैं। और जो खैबर पख्तूनख्वा की मैं खुसूसत बात करूंगा, जो आपने कहा कि नए वोटर आए हैं और नए वोटरों की तरफ किसी का रुझान नहीं है, उनको वेलकम नहीं करे, उनको अपने साथ मिलाते नहीं, तो इंशाल्लाह जो खैबर पख्तूनख्वा में एक जमात की 9 साल हुकूमत रही है, तो लोगों को पता चल गया है वो जो नए वोटर लिस्ट ऐड हो गए वो सारे जमियत उलमा इस्लाम की तरफ जा रहे, क्योंकि उनको वही सिर्फ आ रहा है, नज़र आ रहा है कि चूंकि जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी है उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में भी हुकूमत की है, मरकज़ में भी हुकूमत की है, और उनकी डिलीवरी का भी कौम के सामने है, खासकर नौजवानों के सामने। तो इंशाल्लाह जो वाहिद है जो है मेरे ख्याल में मौलाना साहब है और उनकी टीम है, आप देख लेंगे कि इंशाल्लाह खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में हम क्लीन स्वीप करेंगे, और जो बाकी दूसरी एरिया है चूंकि उनमें हम इत्तेहाद में है, इत्तेहादियों के साथ है, इंशाल्लाह जहां पर भी हमारे कैंडिडेट खड़े इंशाल्लाह वो जीतेंगे। बैरिस्टर आमिर साहब जिस तरीके से बात कर रहे हैं, वो कहते हैं हम तो आपको मजबूत हलके में इत्तेहाद करके दावत दे रहे हैं, तो आप तो अपने वीक जोन में हमें घुसने नहीं दे रहे। दूसरी तरफ वो जवाब सदीकुल फारूक साहब का भी देना है आपने कि वो बात तो दहाइयों पहले बर्फ की सिलों तक ले गए। जी देखिए, पहले तो मैं यूसुफ जई साहब से बड़े एहतराम के साथ, देखिए हमने कभी भी यही हमारे खिलाफ सिंध में 15 साल से मुखालिफ इत्तेहाद में जा रहे हैं, अगर ये हमारे साथ इत्तेहाद करते तो ज़रूर इनका वजह मैं बता देता हूँ सिंध की क्या है। सिंध में जो इनके सूबाई सदर हैं वो चेयरमैन बिलावल भुट्टो की सीट वाली पे ही वो कॉन्टेस्ट करना चाहते हैं, तो वो तो एक तारीखी सीट है भुट्टो शहीद की, मोहतरमा की और बिलावल साहब की, तो इत्तेहाद उनका दावा तो ये भी है कि हम लाड़काना में आपसे बड़ा जलसा करके बैठे हुए। देखिए वोट फैसला करते हैं, हम तो लाड़काना में जितने जलसे तारीख साज हम कर रहे हैं वो तो दुनिया देखती है, हमने तो जंगल को वहाँ पे मेला लगा के दिखा दिया है। भुट्टो साहब को जब वहाँ पे दफनाया गया था और उसके मुकाबले जनरल ज़िया को फैसल मस्जिद में, तो तारीख ने फैसला कर दिया कि कहाँ पे क्या मेले लगे जो एक कोना है और कहाँ उजाड़ पैदा हो गया। तो हम ये नहीं कहते, पॉलिटिकल बात जो ये है कि अगर ये हमारे इत्तेहाद के लिए कभी भी नहीं हो, और मैं ज़ाती तौर पे भी और पीपल्स पार्टी भी मौलाना साहब को जितना स्टेटस यूसुफ जई साहब देते हैं उससे भी ज़्यादा देते हैं और मानते भी हैं। मैं एक उन्हें बड़ा मुदब्बर सियासतदान मानता हूँ, उनके लफ्ज़ों का चुनाव नापतुल बड़ी है, और हम तो उनसे किरदार चाह रहे थे नवाबजदा नसरुल्ला वाला, लेकिन वो थोड़ी सी डंडी मार के नून लीग के साथ कोई उनकी मोहब्बत है उनकी तरफ ज़रा झुकाव कर लेते हैं, वगरना हम तो उनका बड़ा एहतराम करते हैं, बड़ा मोहब्बत, और मैं ज़ाती तौर पर मौलाना साहब को पाकिस्तान के चंद मोतबर सियासतदानों में उनका शुमार भी करता हूँ और उनका एहतराम भी करता हूँ। तो इत्तेहाद की बात की है, ये जमातों के फैसले हैं, हो जाएं वेलकम। अब सदीकुल फारूक साहब से मेरा भी अब 10-11 साल तो हो गए हैं, हम एक दूसरे के साथ एहतराम के साथ TV प्रोग्राम्स में शिरकत भी करते हैं, तो मैंने उनसे बातें की, थोड़ी सी पार्टी की, जुल्म की, उन्होंने एकदम वो बहुत पीछे जैसे आपने कहा बर्फ़ की सिलों पे ले गए। मैंने तो अपना ज़ाती दुखड़ा नहीं सुनाया कि 1997 में मैं कॉलेज में पढ़ता था, मेरे अब्बा को गिरफ़्तार करना था, तो नवाज शरीफ साहब ने आके मुझे गिरफ़्तार किया, मैं कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर का स्टूडेंट था, और क्या हुआ मेरे साथ। मेरा दुखड़ा मेरे लिए हो सकता है कौम को सुनाने की बात नहीं है, लेकिन वो सदीकुल फारूक साहब मुदब्बर आदमी है, वो कहानी शुरू कर दी कि तुम पानी को गदला कर रहे हो। मैंने कहा जनाब पानी तो आपकी तरफ से आ रहा है। फिर उन्होंने कहा तेरी माँ ने मेरी माँ को, वो बेड़ी और बेड़ वाली ना, वो नहीं मेमने वाली थी, वो शुरू हो गए वो। अब बातें ना, अब तो इतनी याददाश्त तो इन्हें ये रखनी नहीं चाहिए थी भुट्टो साहब वाली, सिलों वाली। अब वो बर्फ़ को पिघल लेने दें, इतना ना जम के रहें उस बर्फ़ के ऊपर जिस पर आपको कोई 2 सेकेंड के लिए बिठाया गया था, बस करें। मैंने भी नहीं जाती दुखड़े रहे, मैंने बात की है, मैंने देखे, मैंने कोई बताया कि बेनज़ीर के साथ मियां साहब ने क्या सलूक किया है, सुबह से क्या प्रोपेगंडा गलीज किया, क्या आसिफ अली जरदारी के 9 साल जेलों में गुजारे, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की किरदार कुशी की, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को सुबह शाम अदालतों में फिराया, मियां साहब की तकरीरें निकालें, कभी सीधा नाम नहीं लेते मोहतरमा का, मैं तकरीरें मौजूद हैं उनकी, और फिर जो भुट्टो साहब, हमने कभी ये अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए, हमने इसीलिए कुदरत ने इनके लिए फिर इमरान खान पैदा किया, फिर PTI पैदा की,
फिर वो लंदन के अंदर वो गुमाश्ते पैदा किए जो इनके घर के बाहर इन्हें गालम गलोच करते हैं। तो तारीख के कुछ अपने फैसले होते हैं। अब आते हैं इशूज़ की तरफ, ये ना ही करें बातें जाती तो ज़्यादा बेहतर है। अगर तो प्रोग्राम का इतना हिस्सा तो इन्हीं बातों में गुजरा। हाँ बस हम नहीं, मैं तो पहले भी प्रोजेक्ट्स की बात की। देखिए अगर तो सदीकुल फारूक साहब की, मैं मानता हूँ ये मेरे सीनियर हैं और इनका वक्त गुजरा है, क्या सियासत का यही निचोड़ है कि वज़ीर आज़म सड़क का इफ्तिताह करें और सड़क के इफ्तिताह का क्रेडिट ले कि हमने, तो फिर लेते रहे आप, हम आपको रोक नहीं सकते। हम आपके सामने एक बुनियादी चीज़ रख रहे हैं, वज़ीर आज़म का काम कुछ और होता है। ख़ुद ही उन्होंने बता भी दिया BISP, क्योंकि यही बड़ा प्रोग्राम है पाकिस्तान के अंदर जिसकी ज़रूरत थी, जिसे दुनिया मानती है। दूसरी बात आइए कंपेरिज़न करते हैं, तरक्याती काम करवाना वज़ीर आज़म का काम नहीं है, ये वज़ीर आला और मेयर का काम है। लेकिन इनसे पूछें कि इनकी पंजाब में 35 साल हुकूमत रही है, हमारी सिंध में 15 साल हुकूमत रही है, मुकाबला करते हैं ऑरेंज ट्रेन का NICVD हॉस्पिटल्स के साथ, स्कूल्स के साथ, क्या पंजाब को एक ऑरेंज ट्रेन की ज़रूरत थी? या पंजाब को ये पूछे ना, पंजाब का कितना सरमाया यहाँ पे लगाया गया है, एक और यहाँ पे एक दिल का हॉस्पिटल बनाया आपने 35 साल में। हेल्थ ज़रूरी थी, एजुकेशन ज़रूरी था, आपने जो नहीं किया वो मुजरमाना गफलत है। हम आपको ये समझ, आपका हमारा जो इख्तलाफ है वो बड़ा पढ़ा लिखा इख्तलाफ है। आप अमीर के ऊपर खर्च करते हैं, आप पैसा लगाते हैं ताजरों के ऊपर, आप नेशनल बैंक को ख़रीदना चाहते हैं या कभी हबीब बैंक को ख़रीदना चाहते हैं, या आजकल नज़र आपकी PIA और स्टील मिल पे है। हम कहते हैं कि गरीब पे पैसे लगाएं, BISP गरीब पे पैसा लगाएं, लेडी हेल्थ विजिटर गरीब पे पैसा लगाएं, गरीब को मुलाजमतें दें, गरीब की 185% तनख्वाहों में इजाफा करें, किसान को सब्सिडी दें, उसकी खाद के अंदर उसे सब्सिडी दें। आप देते हैं बड़ी बड़ी खाद फैक्ट्रियों को हम सब्सिडी, आपका हमारा इख्तलाफ ये है कि आप कारोबारी तबके को सहूलतें देते हैं, हम गरीब आदमी को देते हैं। ये आपका हमारा मीशत का इख्तलाफ है। इसी वजह से आप जब आते हैं, आप इंडस्ट्रियल जोन ऐसे, अभी देखिए ना मोटरवे से आपकी इंडस्ट्री ने क्या किया, अगर मोटरवे का आप क्रेडिट ले रहे हैं, मोटरवे के इर्द गिर्द कितने इंडस्ट्रियल जोन बन गए हैं, कितनी कोई तरक्की हो गई है मुझे बता देंगे कोई? तो मैं समझता हूँ हम इश्यूज़ के ऊपर अगर करें तो आपका हमारा एक, और दूसरी बात आपके लोगों को भी देख लिया, हमारे लोगों को भी, अब हमें तो 50 साल से पंजाब में इख्तदार नहीं है, आपका इसहाक डार पिट चुका है। आप ज़रा अपनी कैबिनेट का ऐलान करें ना, आपका वज़ीर ख़ारजा कौन होगा, ख्वाजा आसिफ या फातमी साहब? लेकिन आमिर सुनता कौन है? आमिर साहब, और आपका अगर आपको एतराज था तो उस वक्त करते जब कोलिशन गवर्नमेंट में थे, देखिए उस वक्त इनकी हैसियत थी, बार भी बार अगर बैड गवर्नेंस है तो उसका बार भी कुछ कंधों पर रखी ना, बाहर कभी भी नहीं, एक अच्छा घर वाला बंदा अपनी गंदी लिनन बाहर आके नहीं धोता। वो इन्हीं की आपस में लड़ाई हो रही थी, मिफ्ता की और इसहाक डार की, हमने लड़े इनके साथ, हमने आगे तमाशा नहीं लगाया, कोई इनके खिलाफ लॉन्ग मार्च नहीं किया। लेकिन एक बात है कि क्योंकि ये मेजॉरिटी में थे, वज़ीर ख़जाना इनकी दोनों भाइयों की आपस में लड़ाई थी, एक का वज़ीर ख़जाना मिफ्ता था, एक का इसहाक डार था। अगर आप उन्हीं चेहरों के साथ आना चाहते हैं, ख्वाजा आसिफ वज़ीर ख़ारजा, इसहाक डार वज़ीर ख़जाना, तो फिर आज ये सब, और अगर आज भी आपने मियाँ साहब की वही कथा और कहानी सुनानी है, मुझे हाथ घड़ी भी लगा दी, मुझे क्यों निकाला, तो कौम के दुखड़े आपके दुखड़ों से बहुत बड़े हैं। चले वो आपके दुखड़े नहीं सुन, उनके स्टेटमेंट ले लें। लेकिन मैं अगला मेरा सवाल आपसे वो कैबिनेट के हवाले से होगा कि पीपल्स पार्टी की कैबिनेट क्या होगी। सदीकुल फारूक साहब जी क्या कहना चाह रहे हैं सर? मैं जरा जवाब दूं। जी जी देखिए, अब मैं आमिर हसन साहब से ये बात करूंगा, बराए मेहरबानी बुरा ना मनाएं। मईशत को तरक्की देने के लिए मैंने तो इकोनॉमिक्स पढ़ी हुई है ना, और मैंने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो हैं वो चलाए हुए, मुझे इसलिए पता है। वो उसके लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, उसके लिए आपको सनदें लगानी पड़ती हैं, उसके लिए आपको कारोबार ट्रेड को तरक्की देनी पड़ती है, उसके लिए आपको इन्वेस्टर्स लाने पड़ते हैं, वो आएंगे इन्वेस्टमेंट करेंगे, कारखाने लगेंगे, ताजर जो है वो तिजारत बढ़ेगी, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बढ़ेगी, तो लोगों को रोज़गार मिलेगा। अगर आप खजाने में से पैसे लेके लोगों को पैसे देने शुरू कर दें और आपकी सरमायाकारी ना हो, सनत ना लगे, तो आपकी मईशत तरक्की नहीं कर सकती। ये वो बात करेंगे जिन्हें मईशत का पता है कि मईशत कैसे तरक्की करती है। मईशत अमरीका में चले जाएँ, बरतानिया में चले जाएँ, इंडिया में चले जाएं। मोदी ने क्या किया है कि आज उनके रिजर्व 500 अरब से ऊपर चले गए हैं,
किस तरह सनतकारों को ला ला के बुला बुला के उसने सनत को फरोग दिया है, उसने तिजारत को फरोग दिया है, उसने इन्वेस्टर्स को वो लेके आया है, कैसे तब जाके इंडिया वहां पहुंच गया है जहां वो हमसे प्रोग्राम लेके गए हैं। नवाज शरीफ का प्रोग्राम 92 में वो ब्लूप्रिंट लेके उन्होंने इम्प्लीमेंट किया, हमें यहाँ हर 3 साल के 2 साल के बाद उठा के बाहर फेंक दिया जाता है और वो तसलसल से चलते हैं। वो कहाँ पहुंच गए हैं? रोजगार इस तरह मिलता है। अगर आप सरकारी खजाने से किसी को रोजगार देंगे, एक आदमी को रोजगार देने के लिए ग्रेड यानी चपड़ासी बनाने के लिए भी आपको कम से कम 1 करोड़ रुपया लगाना पड़ेगा, लेकिन अगर आप लोगों को पांव पर खड़ा करेंगे 1 लाख में 2 लाख में एक रोजगार क्रिएट हो जाता है। लेकिन ये वो कर सकते हैं जिन्हें इक्तिसादियात की समझ, तो वो नवाज शरीफ को पता है, वो शहबाज शरीफ को पता है कि तरक्की इक्तिसादियात इस तरह करती है, मुल्क इस तरह तरक्की करता है। इनके दौर में फैसलाबाद उजड़ गया था, लोड शेडिंग 20 घंटे शुरू हो गई थी, लोड शेडिंग परवेज मुशरफ से अपना इन्होंने इनहेरिट की, उस वक्त 4-6 घंटे की लोड शेडिंग थी। ये गुजर खान में पहले मुजाहरे हुए परवेज मुशरफ के दौर में, इनका काम यह था कि लोड शेडिंग ख़त्म कर दे, लेकिन इनके यहाँ लोड शेडिंग 20-20 घंटे की हुई, वो लोड शेडिंग अल्हम्दुलिल्लाह नवाज शरीफ ने ख़त्म की। सही, मैं आमिर साहब आपकी तरफ वापस आता हूँ, वो नासिर खान साहब की राय इस पे ले लूँ। नासिर खान साहब, क्या इस गुफ्तगू के अंदर शामिल होंगे या इसको जो पूरा मंजरनामा है इस पे बाहर बैठ के ही सिर्फ सुन के अपनी राय दे सकते हैं? आपकी नज़र में, आप तो दोनों के पार्टनर रहे, आपकी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी इत्तेहादी रही और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की भी, दोनों में से स्टैंड किसका मजबूत है मौजूदा सूरत हाल? यासर साहब, मेरे नज़दीक चूँकि मैं ख़ुद भी इन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा नज़र रखता हूँ, सदीकुल फारूक साहब बिल्कुल 100% कह रहे थे। जब बैरिस्टर साहब बात कर रहे थे तो मैं चाहता था कि बैरिस्टर सदीकुल फारूक साहब ने जो जवाब दिया वो मैं भी यही कहना चाहता था। जब तक आपकी मईशत, जब आपकी पैदावार, आपके प्रोडक्शन, आपके सिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप ना हो, उस वक्त तक आप एक अपने पाँव पर अपने मुल्क को, अपने कौम को खड़ा नहीं कर सकते हैं। अगर आपके जेब में पैसे हैं और वो रोज़ आप घर के खर्चों के लिए देंगे तो एक दिन वो जेब आपका खाली हो जाएगा। यही वजह है कि हम IMF और दुनिया के पास जाके बैंक मांगने के लिए, लेकिन अगर हमारे पास इनकम कमाने के जराए होते, हमारे मुल्क में इतने इंडस्ट्रीज होती, इतना सिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता, तो शायद हमें इन IMF के पास और दूसरे इदारों को से लोन लेने के लिए और इतना 1-1 अरब रुपए के लिए हमें इतने मिन्नत समाजत नहीं करना पड़ती थी। सवाल 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 नासिर खान साहब, सवाल ये बनता है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना या उसको आगे बढ़ाना या जिद्दत लेके आना वो किसका काम था? किसके दौर के अंदर इंडस्ट्री जो थी वो पाकिस्तान से खत्म होकर बांग्लादेश में मुंतकिल हो रही थी? सवाल तो ये भी बनते हैं, और सवाल ये भी बनता है कि कपास की पैदावार पाकिस्तान के अंदर अगर कमी हो रही थी, उसमें किसानों को सहूलियात नहीं दी जा रही थी, तो किन वजूहात की बुनियाद पर नहीं दी जा रही? नहीं, आपको याद होगा कि मेरे 2008 से जो 2013 तक हुकूमत थी, तो उस टाइम पाकिस्तान में बिजली की लोड शेडिंग इतनी इंतहा तक पहुंच गई थी, जो हमारी इंडस्ट्रीज थी वहां पर भी लोड शेडिंग आई थी। लेकिन 2013 से जो 2018 तक जो हुकूमत आई है, तो उस वो इंडस्ट्रीज जो प्रोडक्शन और पैदावार करते थे, जिससे एक्सपोर्ट हो रहा था और हमें इनकम के एक ज़राए था और लोगों को रोज़गार के मौके मिल रहे थे, तो वो दोबारा वो स्टार्ट हो गए। अगर उसका सलसल होता तो आज हमारी इंडस्ट्री इस तरह सी पैक को जो 2013 में स्टार्ट हुआ है और फिर 2018 में उनको ताले लग गए, अगर उसको कंटिन्यू रखा जाता तो मेरे ख्याल में आज हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर रोड की भी, हमारी इंडस्ट्रीज की भी और हमारे जो दूसरे इदारे थे वो इतना हो जाता कि आज हम उनसे हमें रेवेन्यू इकट्ठा होता। लेकिन बदकिस्मती से जो जहां से हमें रेवेन्यू इकट्ठा होती है उनकी तरफ हमारे ध्यान नहीं होता है और जहां से हमें तैयार फसल होती है बस उसको सिर्फ काट के हम खा लेते हैं। तो मेरे ख्याल में जो सदीकुल फारूक कह रहे हैं, अगर उन चीजों पे हम बुनियादी बेसिक चीजें वो हम बुनियादी चीजों पे मैं ठीक, आपका मौके आ गया, प्रोग्राम का वक्त खत्म होने वाला है। आमिर साहब, नहीं यासिर जी, मैं सिर्फ ये बात करना चाह रहा था। देखिए, मैंने नहीं कहा, मेरे दोनों दोस्त शायद मुझे मिसअंडरस्टैंड उन्होंने किया है। मैंने बताया ये है कि आपके वसाइल का रुख अवाम की तरफ हो। यह मुल्क वो है जहां पे तगड़ा हुकूमत के खर्चे पे पलता है, यहाँ पे सदर, वजीर आजम,
आपके सारे सरकारी मुलाजमीन हकूमती घर हकूमती बिल सब कुछ वो दे रहे हैं और आवाम की सब्सिडी पे कहते हैं कि ऐसे मुल्क नहीं चलते। हम ये कहते हैं कि उधर तो, लेकिन इसके साथ साथ पीपल्स पार्टी स्टील मिल देती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती है हमने यहाँ पे थरकोल लगाया है, सीपैक हमने किया, गवादर पोर्ट हमने दी। पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है, यहाँ पे मंसूबे ज़रई होंगे। अब ये जो सीपैक हमने साइन किया था, अगर उसका बेसिक ब्लूप्रिंट निकाले तो उसमें ज़रात के अंदर हमारा कोऑपरेशन था, जिसे ख़त्म करके महज सड़कें बनाने पे और कंक्रीट पे पैसा लगा दिया गया है। ये ऑरेंज ट्रेन पे हमारा ये होता है कि आप इन्वेस्ट आम आदमी पे करें, सरमायादार पे इन्वेस्ट ना करें, बल्कि सरमायादार इन्वेस्ट करे। जब आपका बंदा तगड़ा होगा, उसकी पावर होगी खरीदने की, तो फिर सरमायादार इन्वेस्ट करते हैं आके। इकोनॉमी का इनका हमारा फर्क ये है, ये इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, इसीलिए मियां साहब के दोनों बेटे इंडस्ट्रियलिस्ट बन के पाकिस्तान की शहरियत छोड़ के एक लंदन और एक सऊदी अरब बैठ गया है। हम इधर की शहरियत में बैठे हुए हैं। हम कहते हैं कि इन्वेस्ट आम आदमी पे करो, आप कहते हैं इन्वेस्टर पे करो, और फिर आप इतना कमा के खुद इन्वेस्टर बन के इंग्लैंड और सऊदीया चले जाते हैं। नहीं, अब मेरी टर्न है। तो मैं समझता हूँ कि जो जरूरी चीज है ना, जो जरूरी है कि वो हमने जो एक मिनट सिद्दीकुल फारूक साहब, हम समझते हैं कि आपने खर्च करना है आवाम के ऊपर, चले इसके ऊपर प्रोग्राम मुल्क है ज़रात के ऊपर प्रोग्राम का वक्त होने वाला है, लेकिन ये बहस अगर इसको तूल दी जाए तो बहुत ज्यादा बढ़ेगी। पाकिस्तान की सियासी जमातें लाहेमल एक ऐसा बनाएं कि जो जिद्दत पसंदी के साथ मशरूत हो और उसी को लेके आगे बढ़ें। बहुत शुक्रिया सदीकुल फारूक साहब, बैरिस्टर आमिर हसन साहब और नासिर खान मूसा जई साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन मुझे दीजिए इजाज़त, मुलाकात होगी कल, अल्लाह ने के बाद।